गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ कॉर्डोवा की मैथमेटिक्स की बुक क्लास फिफ्थ की, और लेसन नंबर है 9 और लेसन का नाम है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है बच्चों? जब हमें एक बहुत बड़ी क्वांटिटी दी होती है और उसमें से पूछा जाता है कि एक यूनिट का क्या प्राइस होगा या क्या वैल्यू होगी उसकी, तो उसे हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अब ठीक है, तो इसके लिए थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि क्वेश्चंस देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जब हमें एक की वैल्यू निकालनी होती है किसी एक चीज़ की, तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ शूज़। लेकिन जब हमें कई की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस्ट ऑफ 15 पेयर्स ऑफ शूज़। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने, आपकी बुक बहुत बढ़िया अच्छी बुक है, इसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट नीचे लिखी होती है। तो एक ही एक्सरसाइज है और एक रिव्यू है, तो चलो करते हैं उसे। क्वेश्चंस के फ़ोटो मैं लगा दूंगी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सारे तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि फिर वीडियो आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं जो जिन लोगों के पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होंगे उनके लिए मैं एक फ़ोटो लगा दूंगी। और चलिए, इसमें से हम क्वेश्चन वाला कौन सा करें, कोई सा भी कर लेते हैं, चार ही क्वेश्चन है तो एक कर लेते हैं। अ बस कैरीज इतने पैसेंजर एवरी डे, हाउ मैनी पैसेंजर विल इट कैरी इन अ वीक। तो देखिए, इसमें आप स्टेटमेंट बनाएंगे, अ बस कैरीज पैसेंजर्स इन अ डे, पैसेंजर नहीं पैसेंजर्स, इन अ डे इज इक्वल टू इतने। टू फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन अ वीक, वी विल, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना है ये, 2, 4, 5, 7, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे, 7, 7 जा 49, 4 यहाँ कैरी आ गया, 7, 5 जा 35 और 4, 39, 3 कैरी आ गया, 7, 4 जा 28, 3 प्लस हुए 31 बन गया, 3 कैरी आ गया, 7, 2 जा 14 और 3, 17। हैंस द बस विल कैरी 17,199 पैसेंजर्स इन अ वीक। यहाँ पे ई मेरे से एक्स्ट्रा लग गया था फ्लो में। एक क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, अ डजन बुक कॉस्ट इतने रुपए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 सच बुक्स। एक दर्जन यानी 12 किताबों का इतना रेट है, तो 7 का कितना होगा? तो आप क्या करोगे, पहले एक किताब का कॉस्ट निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, इसको डिवाइड करोगे 12 से, ठीक है। तो देखिए, स्टेटमेंट आप ऐसे बनाना, कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स इट इज इक्वल टू इतना, उसके आगे रुपीज़ ज़रूर लगाना, क्योंकि वो उसकी वो है कि कितना किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ 1 बुक तो इज इक्वल टू करके, कि भाई हम 1920 रुपये को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक डज़न के अंदर 12 ही क्वांटिटी होती है। तो अब आप देख रहे हो कि ये जा रहा है 2 से, तो 6 जा, और ये 9 जा 18 होता है, 1 यहाँ आ गया, तो 6 जा फिर 12 होता है, और ये पूरा कट गया, तो ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में ये 9, 6, 15 और ये 6, 3 से जा रहा है, तो 2, 3, 2, 0। अब ये फिर से 2 से जा रहा है, कितना हुआ, 1, 6, 0, ठीक है, 1, 6, 0, 160 रुपये, 2, 16, 2, 32, 3, हाँ ठीक है। तो 1 की कितनी कीमत हुई, 160, और वो पूछ रहा है 7 की, तो फिर आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स इज इक्वल टू 7 × 160। तो ये होता है आपका 16, 7, 112, और एक ज़ीरो लगा दोगे, लेकिन इसके आगे क्या लगाओगे, रुपीज़, क्योंकि कॉस्ट की बात हो रही है, और कॉस्ट किस में होगी, रुपए में। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए, और सारे क्वेश्चन इसी तरीके से ही हैं। ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है, इसका मैं फ़ोटो लगा दूँगी, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली, और इसी तरीके से पढ़ते रहना है, और खुश भी रहना है, और खुश रखना भी है। बाय। एक्चुअली बच्चों, जब मैंने एक्सरसाइज आपकी बंद कर दी, तो मेरी क्वेश्चन पे नज़र गई कि ये कुछ इस प्रकार से था, तो मुझे लगा शायद इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए क्या है, कोई भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, मैं भी हो जाती हूँ, मेरी भी मैथ्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, रागनी मेड 6 लीटर ऑफ लेमनेड बाय मिक्सिंग 1.5 लीटर ऑफ लेमन जूस एंड रेस्ट वाटर। हाउ मच लेमन जूस विल बी नीडेड टू मेक 16 लीटर ऑफ लेमनेड। वो कह रही है कि 6 लीटर में, या कह रहा है कि 6 लीटर में उसने 1.5 लीटर लेमन का जूस, नींबू का रस मिलाया, लेमनेड मतलब शिकंजी, ठीक है, और बाकी उसने पानी मिलाया। तो 16 लीटर जूस बनाने के लिए, मतलब लेमनेड बनाने के लिए, तो कितने लीटर चाहिए होगा लेमन का जूस, या मतलब कितना, ये लीटर में नहीं पूछा है, उसे पूछा लेमन जूस कितना चाहिए होगा। तो आप क्या करोगे कि आप ये बता रहे हैं कि 6 लीटर में इतना पड़ा है,
तो आप देख लो इसको कि एक लीटर में कितना पड़ा होगा। तो एक लीटर में पड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि डेढ़ लीटर को हमें 6 लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि डेढ़ लीटर तो छोटा है, 6 लीटर बड़ा है तो कैसे डिवाइड होगा, तो ये उसी तरीके से होगा जैसे हमने पहले किया था। चलो तो आप इसकी इस तरीके से लिखना, और अच्छे तरीके से लिख सको तो ठीक है, लेकिन मैं जो समझा रही हूँ वो ये है, लेमन जूस यूज्ड टू मेक 6 लीटर्स ऑफ लेमनेड, इतना लेमन जूस यूज्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ लेमनेड। अब आप यहाँ पे करके दिखाओगे डिवाइड, तो देखो ये हमारा है 1.5। आपको पता है कि डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 15/10, और इसको डिवाइड करना था हमें 6 से। तो जब डिवाइड करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 6 के नीचे क्या है, 1 है, तो यानी 1 तो इधर आएगा और 6 इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? अब आप क्या करोगे कि 6 से इसको डिवाइड करोगे, तो ये कितना आएगा, तो आप क्या करोगे इसको डिवाइड करोगे, तो 15/0 multiply by 1/6। तो यहाँ पे 15 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन नीचे करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आप देखो पहले से डिवाइड कर लो, ये आपने किया तो आएगा आपका आंसर 2.5। अब 10 से डिवाइड करोगे इसको तो ये पॉइंट और आगे आ जाएगा, यानी 0.25 आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया, 0.25। यहाँ मैंने आपको समझा रही थी लेकिन यहाँ से समझ लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 0.25 लीटर है ये, कितना है, 0.25 लीटर। तो यानी हम इसको ml में करें तो कितना बनेगा, ये 250 ml। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ml में कितना होता है, कैसे आएगा, क्योंकि 0.25 को जब आप मल्टीप्लाई करें, तो जब आप इसको 0.25 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1000 में इससे क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि एक लीटर में 1000 ml होते हैं। तो आपको पता है कि 3 0 2 0 कटेंगी तो पॉइंट कट जाएगा और 1 0 पीछे लग जाएगा। समझ में आया, 2 0 कटी तो 2 है ना पॉइंट, ये क्या हो जाता है स्क्रीन पर, हाँ 2 है ना पॉइंट के इधर बाद में, तो 2 0 से पॉइंट कट गया और फिर जो ये बचा ये पीछे आ गया, तो हमारे पास ml की क्वांटिटी आ गई 250। यानी एक लीटर में 250 ml लेमन का जूस पड़ा। तो अब सीधा से पता चल गया आपको, जब एक लीटर में 250 ml पड़ा तो 16 से कर लो इसको। तो आप ऐसे स्टेटमेंट बनाना, लेमन जूस नीडेड टू मेक 16 लीटर्स ऑफ लेमनेड इज इक्वल टू 16 लीटर इंटू 250 ml। अब आप सोचोगे कि तो बहुत बड़ी डिजिट हो जाएगी, बहुत बड़ी डिजिट नहीं होगी, क्योंकि जो ये बड़ी क्वांटिटी जब छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर छोटी क्वांटिटी में ही आता है। तो आप देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 4000 ml। ठीक है, ये 4000 हमने किस में लिया, यहाँ पे लीटर हटा दो, 16 इंटू इतना कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ml है ना, तो ml आ गया ये। तो अभी जब इसे आप या तो आप 4000 ml लिख दो, या फिर इसे आप लीटर में जब करोगे तो लीटर से कैसे होगा भाई, 4000 ml का मतलब है जब इसे लीटर बनाओगे तो एक तरीके से आप खुद ही सोच लो कि 1000 से डिवाइड होगा तो 30 से 30 कट जाएगी, तो क्या बचेगा, 4 लीटर। 1000 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि एक लीटर में 1000 ml होती हैं, इस वजह से। ठीक है, तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो अच्छे से पढ़ना बच्चों। ठीक है, टेक केयर, बाय।